गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं न्यूक्लियस द ऑर्गेनल ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस के अंदर आज हम करेंगे क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर आपने थ्रेड लाइक क्रोमेटिन्स देखे थे, क्रोमेटिन फाइबर्स जो कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन शॉर्ट थिक रॉड लाइक क्रोमोसोम जो हैं फॉर्म होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द कंडेंसिंग। कंडेंसिंग होता है किसी चीज़ का थिक हो जाना ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स का। सो हर एक स्पीशीज में जो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, एक फिक्स्ड क्रोमोसोम नंबर होता है, और क्रोमोसोम जो है दो आइडेंटिकल थ्रेड लाइक क्रोमेटिन के बने होते हैं, जो कि नहीं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि आपस में सेंट्रोमियर, यू कैन सी द राउंड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर, दैट इज़ द सेंट्रोमियर। दोनों क्रोमेटिन जो है सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। सो दीज आर हेल्ड टूगेदर एट वन पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो देयर, यू कैन सी द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन is there, and the other one is the satellite. और एक जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसमें जो डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है टू मीटर लॉन्ग थ्रेड जो होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं, या फिर ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं। तो इसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है जो मैंने आपको पहले दिखा दी हैं, और जो पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ग द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द सैटेलाइट। वेयर इज द सैटेलाइट, यू कैन सी दिस इज द सैटेलाइट। सो जो अपर आर्म है उसको हम शॉर्ट आर्म कहते हैं, जो नीचे वाले ये बड़े वाली हैं इनको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग आर्म्स बोलेंगे। दीज आर द लॉन्ग आर्म्स, दीज आर द शॉर्ट आर्म्स। लॉन्ग आर्म्स और शॉर्ट आर्म्स जो आपस में कनेक्टेड है किस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड देन इज द क्रोमोसोम हैविंग अ सैटेलाइट, उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम जो है उनको हम मार्कर क्रोमोसोम भी बोलते हैं। द टू पार्ट्स ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑन इधर साइड ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड द आर्म्स, इन क्रोमेटिड्स को हम आर्म्स बोलते हैं। टू आर्म्स आर इक्वल, किन में इक्वल होती हैं, उस क्रोमोसोम में जिनमें दोनों आर्म्स मतलब शॉर्ट और लॉन्ग ना हो, दोनों इक्वल लेंथ की हो, तो उनको हम बोलना है आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम। और अगर ये दोनों आर्म जो हैं वो अनइक्वल है तो इसको हम कौन से क्रोमोसोम बोलेंगे, हेटेरोब्रैकियल क्रोमोसोम्स। एंड द रेशियो बिटवीन द टू आर्म्स इस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेरिक रेशियो, ठीक है। और जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम्स को फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का मतलब जो सेंट्रोमियर है वो उसकी पोजीशन क्या है, टर्मिनल पोजीशन है, तो उसको हम बोलेंगे टीलो, दिस इज द टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक पोजीशन का मतलब क्या है, जो एक साइड पे है। और जो एक दूसरी जो टाइप है सेंट्रोमियर की उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर कहाँ पे होएगा, सब टर्मिनल में होएगा, दिस इज नोन एज द सब टर्मिनल, दिस इज द सब टर्मिनल पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, दिस इज एक्रोसेंट्रिक। और जो सब मेटासेंट्रिक होएगा सेंट्रोमियर का आएगा, सब मीडियन में होएगा, उसको हम बोलेंगे सब, दिस इज सब मीडियन टाइप, सो दिस इज द सब मीडियन सेंट्रिक, इसको सेकेंड टाइम को हम बोल सकते सब मीडियन सेंट्रिक, राइट। एक शॉर्ट आर्म्स है, एक क्या है, लॉन्ग आर्म्स है। और जो फोर टाइप है, लास्ट टाइप है, उसको हम बेटर बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमियर किस में है, बिल्कुल मिडल में, इसलिए दोनों जो हैं आर्म्स जो हैं दैट इज ऑफ द इक्वल लेंथ, सो दिस इज मेटासेंट्रिक। दिस इज सेकंड वन इज द सेब मेटासेंट्रिक, थर्ड वन इज द एक्रोसेंट्रिक, ठीक है।
एंड द फोर्थ वन इज द दिस इज द सेंट्रोमियर सॉरी टीलोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक चार तरह के हो गए ये। अब जो है फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, फर्स्ट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या है, जो क्रोमेटिन है उसमें सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ग्रोथ कैसे होनी चाहिए बॉडी की, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म, इन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्योंकि क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। देन इज सेकेंड इज सेल रेप्लिकेशन। सेल रेप्लिकेशन में क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रिंग्स आउट सेल रेप्लिकेशन व्हेन नीडेड, सेल को रेप्लिकेट करता है। और थर्ड वन इज़ द राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम जो है वो कहाँ पे बनते हैं, वो न्यूक्लियस में भी बनते हैं। वेरिएशंस आती हैं क्योंकि जो जेनेटिक मटीरियल्स हैं वो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनमें जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी और एवोल्यूशन होगी। नंबर फाइव में क्या है, सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो सेल है विद द हेल्प ऑफ आरएनएस, सेल न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल्स, जो कि सेल ग्रोथ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। और लास्ट फंक्शन क्या है, सेलुलर एक्टिविटीज़। जो न्यूक्लियस है वो सारी ही सेल की मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज़ जो है उनको कंट्रोल करता है। सो दीज आर द सिक्स फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ कमिंग टू द बायो मेम्ब्रेन्स। बायो मतलब समथिंग लिविंग, मेम्ब्रेन्स मीन्स मेम्ब्रेन्स जो उसकी आउटर कवरिंग होगी। तो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर, क्योंकि ये सारे हमने अभी तक जो किए हैं वो सारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, लेकिन सेल के बाहर बाउंड्री पे क्या होएगा, सेल मेम्ब्रेन होएगी। सो जो सेल मेम्ब्रेन थी, इसकी सबसे पहले 1950 में इसको देखा गया माइक्रोस्कोप के अंडर। जो आरबीसीज हैं दैट इज एनेबल द साइंटिस्ट टू गिव पॉसिबल स्ट्रक्चर। सो ऑल मेम्ब्रेन्स वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल्स आर कॉल्ड द बायो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, उनकी थिकनेस कितनी होती है, 70 एंगस्ट्रॉम्स। सो दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर सल्यूट्स एंड सेमी परमिएबल फॉर वाटर। सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट अपीयर कैसी लगती हैं, दिस इज ट्राई लेमिनर और ट्राई पार्टाइल होते हैं। इसमें क्या है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो सेल टू सेल वेरी करते हैं। ह्यूमन बींग में जो है मेम्ब्रेन्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में, उसमें 52% प्रोटीन्स हैं और 40% क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। सो सेल मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन्स की और फॉस्फोलिपिड्स की। एक मॉडल है मेम्ब्रेन्स का, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था वो किसने दिया था, निकोलसन ने दिया था 1972, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो है, जो बायो मेम्ब्रेन है वो विस्कस फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से लेयर में बना होएगा। फॉस्फोलिपिड्स भी होंगे उसमें प्रोटीन्स भी होंगे, लेकिन वो एक पैटर्न में होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ विस्कस मीन्स थिक मैट्रिक्स का बना होता है, जिसमें दो लेयर्स होंगी फॉस्फोलिपिड्स की, और फॉस्फोलिपिड्स के लेयर के इन बिटवीन क्या होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगे। सो ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सपोज सरफेस, उसका जो बाहर वाला सरफेस होगा उस पर ओलिगोसैकेराइड्स होंगे। और जो एनिमल सेल है, सो दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एनिमल सेल है। सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो हैव द कोलेस्ट्रॉल। आई शो यू, दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, आप देख सकते हो इसमें। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर देखो क्या है, प्रोटीन्स है। इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल मतलब बाहर वाले प्रोटीन्स। तो उसमें ये जो बिगेस्ट स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही है, दिस इज बिगेस्ट स्ट्रक्चर इज द टनल प्रोटीन। इनको हम टनल प्रोटीन बोलते हैं। ये जो सर्फस में है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ये यू कैन सी द फॉस्फोलिपिड की ये बाई लेयर है। ये दोनों जो अपोजिट आपस में जो अपोजिट बने हुए हैं, ये सारे क्या हैं, बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड के इन बिटवीन है। इन बिटवीन मतलब जो अंदर हैं उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं इसमें। और ये क्या है, पेरिफेरल
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स. तो इसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड्स तो प्रोटीन दो चीज़ें हैं. फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, इनको हम फॉस्फोलिपिड्स को हम फॉस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं. तो इनकी बाइलेयर, बाइलेयर आपने देख ली है, दो लेयर बनेगी. द पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स जो है वो किसकी तरफ होएगा, टुवर्ड्स द आउटर साइड. तो हाइड्रोफोबिक जो टेल होएगी, जैसे ये टेल्स हैं, दिस इज द पोलर हेड, दिस इज द पोलर हेड और दीज आर द टेल्स. ये जो हैं ये टेल्स हैं, अंदर जो टेल्स हैं वो अरेंज्ड जो होगी टुवर्ड्स द इनर पार्ट. सो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर्म ऑफ वाटर रेजिस्टेंट बैरियर्स विच अलाउ ओनली लिपिड्स और लिपिड सॉल्युबल मटीरियल टू पास थ्रू इट. सो टू लेयर्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स. दिस लेयर शोज फ्लूडिडिटी ड्यू टू द साइडवेज मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फ्लूड मतलब लिक्विड सेमी लिक्विड टाइप होती हैं और उनमें जो प्रोटीन्स हैं जितने भी अपने इंट्रिंसिक प्रोटीन्स देखे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स देखे हैं, ये सारे प्रोटीन्स जो हैं इनमें मूव करते हैं. अब कमिंग टू द प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक को हम पेरिफेरल मतलब बाहर वाले, एक्सटेंसिंग मतलब बाहर वाले होते हैं. बाहर वाले प्रोटीन्स कौन से होते हैं, दे आर प्रेजेंट सुपरफिशियली ऑन द आउटर एंड इनर सर्फेस. ठीक है, दे आर लूजली बाउंड टू द फॉस्फोलिपिड्स एंड टनल प्रोटीन्स सो कॉल्ड बीन इजिली एक्सट्रैक्टेड. इनको हम टनल प्रोटीन्स बोलते हैं. सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हम इनको बोलते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड के अंदर होते हैं. दे आर मोर देन 70% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सम इंटीग्रल प्रोटीन्स हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स. दिस इज द, ये टनल प्रोटीन मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ. पेरिफेरल जो है ये बाहर वाले हैं, तो ये इंट्रिंसिक है. देखो इंटीग्रल ये वाले हैं जो फॉस्फोलिपिड के बिल्कुल अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो प्रोटीन जो है बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं. सो प्रोटीन जो है दैट इज़ नोन एज द आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स. सो दिस इज द प्रोटीन्स. एंड थर्ड वन इज़ द ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड क्या है, जो ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड्स उनको बोलते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो होते हैं दैट इज़ आर एसोसिएटेड विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, इसमें जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनके साथ जो है शुगर्स भी होती हैं. शुगर्स को ये आप देख सकते हो, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये आप देख रहे हो. बायलेयर, बायलेयर के ऊपर प्रोटीन है, बाहर वाले प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन जिनको कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल्स भी होती हैं जैसे एनिमल्स में, फॉस्फोलिपिड बायलेयर आप देख रहे हो, और इसके अलावा ये जो होता है दैट इज़ नोन एज द शुगर. शुगर को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया. आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है, ये अलग अलग तरह से होता है. एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन दिस केस नो एनर्जी यूज एज सब्सटेंस मूव अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में. ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस होती है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. ठीक है, जो वाटर है उसकी मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन और केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन और केमिकल पोटेंशियल व्हेन टू आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द सेमी परमिएबल. ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन हुई, कि जो सॉल्वेंट है या लिक्विड है या वाटर है, वो जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करेगा, तो वो पास करेगा विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनर्जी. बट वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंस होना चाहिए. तो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से ये किसकी तरफ जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन. फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज द ऑस्मोसिस. तो एक होता है डिफ्यूजन.
डिफ्यूजन क्या होता है, न्यूट्रल सल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दिस थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलर लेयर. एंड एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट इज़ परफॉर्म बाय कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन अपने प्रोटीन्स देखे हैं, उनकी हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ईच सल्यूट हैज़ अ स्पेसिफिक कैरियर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजली अकर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो करियर कम्बाइंस विद द सल्यूट पार्टिकल ऑन द सर्फेस एंड फॉर्म अ करियर सल्यूट कम्प्लेक्स. इसको हम बोलते हैं, ये कम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, एटीपी. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस में एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए सेल को, उसके सल्यूट्स को और सॉल्वेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने के लिए देर इज नीड ऑफ द एनर्जी. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक होता है सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पम्प. सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पम्प किस में क्या काम करता है, कि जो जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, उसमें क्या है, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पम्प जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस काम करता है. ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम जो है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करता है. यहाँ पे भी जो है एटीपी जो है रिक्वायर्ड होती है. सो एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस है कि इनटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड्स जो है बाय द फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन. एनर्जी सप्लाइड बाय एटीपी. तो यहाँ इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस क्या मतलब होता है, सेल ड्रिंकिंग. इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ ऑफ टेकिंग द फ्लूइड मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फ्लूइड मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन उसको हम पिनोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस होता है सेल वॉमिटिंग, इसको बोलते हैं. इट इज़ थ्रोइंग आउट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस. सो ये है सेल मेम्ब्रेन. सेल जो है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो सेमी परमिएबल है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं. प्रोटीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं. जो फ्लूइड हैं सेल के थ्रू, मतलब सेल ये जो भी मटेरियल है सेल के अंदर जो है इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा. और किन किन प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन है, तो एग्जांपल है. इन तीन मेथड से ही जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, वो क्या है, मूव कर सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन टुडे द क्रोमोसोम्स पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, देन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर, प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू मी एट एनी टाइम. थैंक